हेलो बच्चों, आज हम देखते हैं एक बहुत ही अच्छा नया सा टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या नाम है उसका? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आज नाम से पता चल रहा है कि हम कुछ सर्कुलर गोल 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 घूमने वाली चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं, फिर उसके कुछ पार्ट्स हैं, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, रिलेशन बिटवीन बहुत 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 सारी चीज़ें वो देखेंगे। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, स्टार्ट करते हैं। देखो, तो यूनिफॉर्म नाम समझ में आ रहा है, यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म का सिर्फ एक मतलब होता है, सब बराबर बराबर हो, सर्कुलर गोल गोल हो, मोशन चल रहे हो। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है कि तुम अगर एक सर्कुलर रास्ते पर चल रहे हो, कैसे चल रहे हो सुनना, ये हटा दो पहले मैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है कि अगर तुम एक सर्कुलर रास्ते पर चल रहे हो और सर्कुलर रास्ते पर चलते समय तुम ए से लेकर बी तक गए 10 मीटर 1 सेकेंड में, सुनना, फिर तुम बी से सी तक गए 10 मीटर 1 सेकेंड में, फिर डी तक गए 10 मीटर 1 सेकेंड में, तो तुम कर क्या रहे हो? इस सर्कुलर पाथ पर सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो सेम टाइम में। अगर तुम ऐसा कर रहे हो कि सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो तुम सेम टाइम में, तो इस तरीके के मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। कि अगर तुमने इस सर्कुलर मोशन करते समय सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रैवल करी है, तुम्हारा मोशन सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म होगा। सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रैवल ऑन द सर्कुलर पाथ इज सेड टू बी द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। गॉट इट? तो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रैवल करो ऑन द सर्कुलर पाथ, देन द मोशन इज सेट टू बी द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फिर बोल रहा हूँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या? सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रैवल करो ऑन द सर्कुलर पाथ, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रैवल करो ऑन द सर्कुलर पाथ। फिर बोलूँ, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रैवल करो ऑन द सर्कुलर पाथ इज सेट टू बी वॉट? सेट टू बी द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। डेफिनेशन देखो, इफ ए पार्टिकल मूव्स अलॉन्ग ए सर्कुलर पाथ विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड, देखो कॉन्स्टेंट स्पीड कॉन्स्टेंट स्पीड का मतलब ही हो गया कि सेम डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसी को कहते हैं कॉन्स्टेंट स्पीड। दैट इज इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन द ऑन द सर्कमफ्रेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसको कहते हैं मोशन इज सेट टू बी द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऐसा मोशन क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बात समझ में आ गई? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं? क्लियर हो गया? सेम डिस्टेंस ट्रेवल इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ऑन द सर्कुलर पाथ इज सेट टू बी द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नहीं आई आगे बात समझ में? क्लियर हो गई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब कोई तुमसे कहे कि क्या यह सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इट इज़ एन एक्सेलरेटेड मोशन। जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है वो एक्सेलरेटेड होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड होता है कैसे? स्पीड तो कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन किस बात से हो गया? अटेंटिव हो जाओ, स्पीड कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन कैसा? ध्यान देना, अगर मान लो मेरे पास एक सर्कुलर पाथ है, ये बॉल इसके ऊपर घूम रही है, इस पॉइंट पर ए पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी है वी वेक्टर, जब ये पहुँच दे गई बी पॉइंट पर तो इसकी वेलोसिटी वैक्टर आ गई नीचे वी वैक्टर, जब ये पहुंची सी पॉइंट पर तो इसकी वेलोसिटी वेक्टर आ गई वी वेक्टर, और जब ये पहुंची डी पॉइंट पर तो इसकी वेलोसिटी वेक्टर आ गई वी वेक्टर। तुम देखो, जैसे जैसे इस बॉल की पोजीशन चेंज हो रही है वैसे वैसे इसका वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो रही है। इस समय इसकी डायरेक्शन पहले ऊपर सामने है, यहाँ पर डायरेक्शन नीचे है, यहाँ डायरेक्शन नीचे है, यहाँ डायरेक्शन ऊपर है। तो टाइम बीतने के साथ साथ वेलोसिटी डायरेक्शन में चेंज आया, टाइम बीतने के साथ साथ वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन में चेंज आया, टाइम बीतने के साथ साथ कोई भी वेलोसिटी वेक्टर सेम डायरेक्शन में नहीं है, और एक्सेलरेशन डिपेंड करता हुआ वेलोसिटी के ऊपर। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी सेट टू बी द एक्सेलरेशन हो तो रहा है, यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी वेक्टर में चेंज हो रहा है, टाइम के साथ वेलोसिटी वेक्टर में चेंज हो रहा है, उसका डायरेक्शन लगातार बदलता जा रहा है, भले स्पीड कॉन्स्टेंट है। फिर बोल रहा हूँ, बहुत कठिन चीज़ है ये, कि भले स्पीड कांस्टेंट है कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी भी डिपेंड करती है जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर, वेलोसिटी भी वेक्टर, स्पीड स्केलर, तो एक्सेलरेशन स्पीड भी डिपेंड नहीं करती, स्पीड चेंज हो चाहे मत हो एक्सेलरेशन पर फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो चाहे मत हो एक्सेलरेशन पर फ़र्क पड़ता है। देन Now the velocity is going to be changes continuously and the direction of the velocity is going to changes continuously with respect to the time. So the acceleration will be there also. If it happens, अगर ऐसा होता है कि velocity is going to be changed and the direction of the velocity is going to be changed with respect to the time,
डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज चेंज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम दैट एक्सेलरेशन मोशन विल बी देयर, क्योंकि एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी नॉट ऑन द स्पीड. स्पीड इज कॉन्स्टेंट, कोई बात नहीं, बट द वेलोसिटी इज चेंज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम द एक्सेलरेशन विल बी देयर. इसका मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड तो कॉन्स्टेंट है, लेकिन तुमसे कोई पूछे वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है क्या, ना. तुमसे कोई पूछे एक्सेलरेशन है क्या, बोलो हाँ. इसका मतलब वेलोसिटी भी है एक्सेलरेशन भी है लेकिन स्पीड कॉन्स्टेंट है. सर्कुलर मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं. खत्म कहानी, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तुम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. पांचवे से पढ़ते आते हैं हम लोग, वही है ये. एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, पहले डेफिनेशन सुन लो. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, किसी टाइम में, किसमें, किसी टाइम में सर्किल का रेडियस वेक्टर, सर्किल का रेडियस वेक्टर उस सर्किल के सेंटर पे जितना एंगल स्वेप कर जाए. सर्किल का रेडियस, जैसे ये रहा ये सर्किल है, इस सर्किल का रेडियस है, ये रेडियस किसी टाइम में इस सेंटर पर कुछ एंगल स्वेप कर जाए, एंगल एंगल, तो इसी को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या, थीटा, थीटा इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक आर्क, आर्क अपॉन रेडियस. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखो मान लो मैं ए पॉइंट पर था, शुरू में ए पॉइंट पर था, ध्यान देना मैं इसको अलग से समझा देता हूँ. देखो मान लो मैं ए पॉइंट पर हूँ और ये मेरी रेडियस है ओ आर. मैं बी तक गया, बी तक गया तो मैंने एक एंगल बनाया थीटा वन. मैं ए पर था, मैं बी तक गया तो मैंने एक एंगल बनाया थीटा वन. मैं फिर सी तक गया, सी तक गया तो मैंने एक पूरा एंगल बनाया थीटा टू. तो ए से लेकर बी तक का एंगल थीटा वन, बी से लेकर, ए से लेकर सी तक का एंगल पूरा एंगल थीटा टू. तो ये जो बीच का एंगल आया ये कितना आया, थीटा टू माइनस थीटा वन, इसी को कहते हैं डेल्टा थीटा. तो जो डेल्टा थीटा हुआ उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे. मतलब तुम एक पर्टिकुलर टाइम में उस रेडियस ने कितना एंगल ड्रॉप किया, किसी रेडियस वेक्टर ने सेंटर पर कितना एंगल ड्रॉप किया, एक पर्टिकुलर एंगल ड्रॉप किया, उसी को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. एंगल ड्रॉप या एंगल शिफ्ट बाय, एंगल ड्रॉप या एंगल शिफ्ट बाय, फिर बोल रहा हूँ, एंगल ड्रॉप या एंगल शिफ्ट बाय द रेडियस वेक्टर एट द सेंटर ऑफ द सर्किल. एंगल, रेडियस, क्या क्या चीज़ है, डेफिनेशन क्या है, एंगल ड्रॉप्ड या शिफ्ट बाय द रेडियस वेक्टर ऑफ द सर्किल ऑन द सेंटर इज सेट टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा से शो करते हैं. तुम चाहो तो थीटा से शो कर दो यार, डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर. डेल्टा एस क्या है, डेल्टा थीटा तो ये एंगल है, डेल्टा थीटा तो ये यहाँ से यहाँ तक का एंगल है, ये एंगल है डेल्टा थीटा, और डेल्टा एस है आर्क. डेल्टा एस क्या है, आर्क 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 आर्क, एंगल 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 इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. तो इसी को हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एंगल शिफ्ट बाय द रेडियस वेक्टर, एंगल शिफ्ट या ड्रॉप्ड बाय द रेडियस वेक्टर एट द सेंटर ऑफ द सर्किल. फिर सुनो, एंगल ड्रॉप्ड बाय या शिफ्ट बाय द रेडियस वेक्टर ऑफ द सर्किल ऑन द सेंटर ऑफ द सर्किल ऑन द सेंटर इज सेट टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. डन. और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला होता है डेल्टा थीटा इक्वल डेल्टा एस अपॉन आर, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. तीन बातें जल्दी जल्दी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या, अगर तुम सर्कुलर मोशन कर रहे हो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रेवल कर रहे हो तो सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म है. तुम्हारी स्पीड कॉन्स्टेंट है, स्पीड कॉन्स्टेंट है. जो बच्चा ये समझ गया सबसे समझदार, सबसे समझदार, सबसे समझदार, सबसे प्यारा, सबसे नन्ना मुन्ना. सोचो मेरे कहने का मतलब, जब स्पीड कांस्टेंट है तुमसे कोई कहेगा वेलोसिटी भी कांस्टेंट है क्या, कहोगे ना. तुमसे कहेगा कोई एक्सेलरेशन है क्या, बोलोगे हाँ, क्योंकि एक्सेलरेशन इज द वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हटाओ. एंड इन द सर्कुलर मोशन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज गोइंग टू बी चेंजेस कंटिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम. देन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज द एक्सेलरेटेड मोशन, नॉट द कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन विल बी देयर. क्लियर होगी बात. स्पीड इज कॉन्स्टेंट बट द वेलोसिटी इज गोइंग टू बी चेंज. व्हेन द वेलोसिटी इज गोइंग टू चेंज एक्सेलरेशन विल बी देयर, बिकॉज एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी. सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन. फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझ गए, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल शिफ्ट बाय द रेडियस वेक्टर ऑन द सेंटर ऑफ द सर्किल इज सेट टू बी द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. क्लियर होगी बात. इन तीन टॉपिक को नोट करो, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम तुरंत.